हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिरप। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स को देखेंगे, जिसका ये पार्ट 5 है। पार्ट 1 to 4 मैंने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पहले से डाल रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो उन्हें देख सकते हैं। साथ में अगर आपको एमनेस के लिए कुछ मॉक टेस्ट देखने हैं, बनाने हैं, तो वो भी आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने डाल रखा है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम टोटल 5 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी किया है। तो ये एक छोटी सी क्विक वीडियो रहेगी, जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस को देखेंगे पर्टिकुलर वर्ड्स के, और उसे याद करने की और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? हर्षित होना, मीन्स टू बी एक्सट्रीमली जॉयफुल, ठीक है। एक्सल्ट का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली जॉयफुल, बहुत खुश होना। इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं रीजॉइस, बी जुबिलेंट, बी इलेटेड। तो ये इसके तीनों सिनोनिम दिए हुए हैं, मतलब बहुत ही खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है। कॉमन है, सबको पता है ये चीज़। तो इसके एंटोनिम्स दिए हुए हैं ग्रीव, बी मोन, लैमेंट। तो ये इसके तीनों इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है। इसका मतलब होता है ग्रीव का मतलब भी दुखी होना होगा, बी मोन का मतलब भी वही होता है दर्द जाहिर करना, लैमेंट का मतलब शोक। इन सब का ही कॉमन मतलब है ये सब। तो सैड के लिए अगर हम देखें तो ये एक तरह से सिनोनिम हो गया, ठीक है। इसका अगर सेंटेंस हम देखें तो वो है द पीपल एक्सल्टेड एट द विक्ट्री। तो ये इसका सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप याद रखना एक्सल्ट को। एग्जाम में एक्सलेंट नंबर आए तो पेरेंट्स एक्सल्ट हुए, ठीक है। तो ये छोटा सा था एक स्टोरी टाइप से। तो ये इमेज के थ्रू याद रखिएगा, एक्सल्ट का मतलब खुश होना होता है, ठीक है। एक्साइटेड, एक्सल्ट थोड़ा मैच कर रहा, तो याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, समस्या। तो कॉनंड्रम का मतलब होता है समस्या या कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसका सिनोनिम अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है दैट इज़ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट, क्वांट्री, क्वेश्चन। तो क्वांट्री का मतलब होता है असमंजस, ठीक है। तो ये हो गए कॉनंड्रम के मीनिंग्स। तो कॉनंड्रम का मतलब समस्या या प्रॉब्लम है। एंटोनिम्स देखते हैं उसके, ब्लेसिंग, बून, बेनिसन, ग्रेस। तो इन्हें याद रखना है, बेनिसन, बून हमें पता है, ब्लेसिंग, ग्रेस। तो ये इसके कॉनंड्रम के अपोजिट वर्ड्स हो गए, जिसका मतलब होता है वरदान, आशीर्वाद, ठीक है, अच्छी चीज़ें जो भी पॉजिटिव है। इसका सेंटेंस हम देखते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फेसिंग अ फेमिलियर कॉनंड्रम। तो ये इसका सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसे ऐसे भी बोल सकते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फेसिंग अ फेमिलियर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है श्राउड। श्राउड का मतलब क्या होता है? ढकना, कवर करना, ठीक है। यहाँ सिनोनिम्स में भी इसके दिए हुए हैं कवर, एनवलप, रैप, वेल। तो ये इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। श्राउड का मतलब होता है कवर करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनकवर करना, एक्सपोज करना, दिखाना, शो करना, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। इसका सेंटेंस अगर देखें तो वो हो जाएगा हिज फैमिली बैकग्राउंड इज श्रॉडेड इन मिस्ट्री। तो ये इसके सेंटेंस है। श्राउड फिर याद रखना कवर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब होता है लिटिल बिट, स्मॉल, मीन्स थोड़ा सा। इसके तो वर्ड से ही पता चल रहा है कम, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कम, इसके वर्ड में ही हमें पता चल रहा है कम मीन्स थोड़ा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लिटिल बिट, स्मॉल अमाउंट, फ्रैगमेंट, थोड़ा बहुत टुकड़ों में, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत सारे, दैट इज़ होल, टोटल, एंटायरली, लॉट। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो मॉडिकम हमें याद रखना है, मॉडिकम का मतलब जहाँ पर ये वर्ड आए समझ लेना थोड़ी की बात हो रही है। सेंटेंस इसके लिए दिया हुआ है हिज स्टेटमेंट हैड अ मॉडिकम ऑफ ट्रूथ, बहुत कम सच्चाई थी उसके स्टेटमेंट में, दैट इज़ मॉडिकम। तो कम से याद रखना, लिटिल बिट, थोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन इसका मतलब होता है गेट टुगेदर होना, दैट इज़ गेट टुगेदर होना, ठीक है, एकत्रित होना हिंदी में अगर बोले तो, गेट टुगेदर, टू गेट टुगेदर होना, ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग, जैसे कि किसी मीटिंग की अगर बात करें, एक साथ जमा कर रहे किसी को, पार्टी में एक साथ आना। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे असेंबल, एक जगह सबका आना, गैदर, मोस्टर, समॉन। तो इकट्ठा होना ये भी समॉन होता है,
समॉन का ये भी मतलब होता है, हाजिरी देना भी समॉन का मतलब होता है, बट इकट्ठा होना भी इसका मतलब होता है, और साथ में फिर मस्टर भी है। तो इसके अपोजिट्स क्या हो जाएंगे? अलग होना, डिस्पर्स होना, फैला हुआ होना। तो देखो डिस्पर्स है, स्कैटर है, स्प्लिट है, बटे हुए, डिसेम्बल। तो ये इसके क्या है? एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है किसके? कन्वीन के। कन्वीन मतलब एक साथ आना, गेट टुगेदर होना। अगर इसके सेंटेंस देखें तो वो है, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग फॉर ऑफ मिलिट्री पर्सनल। तो सीक्रेट मीटिंग हुई, कन्वीन्ड, ठीक है? तो सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट कॉन्वर्सेशन के लिए कन्वीन हुए। तो ये इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस थे। तो हमारे टोटल 5 वर्ड्स हो गए। अब लास्ट में हम एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? एक्सल्ट था। मैंने आपको बताया था एक्सल्ट का मतलब क्या होता है, खुश होना, हैप्पी होना। दैट इज एग्जाम में एक्सलेंट नंबर देख के पेरेंट्स एक्सल्ट हुए, ठीक है? तो ये हो गया एक्सल्ट का मतलब, जिसका सिनोनिम्स हमने बी रिलेटेड ये सब देखा था। नेक्स्ट हमारा वर्ड था कॉनन्ड्रम। कॉनन्ड्रम का मतलब प्रॉब्लम। कॉनन्ड्रम प्रॉब्लम काफ़ी सेम साउंड कर रहा है, तो कॉनन्ड्रम का मतलब समस्या, प्रॉब्लम होता है, ये हमने बताया था। नेक्स्ट है हमारा श्राउड। श्राउड का मतलब क्या होता है? कवर करना, ठीक है? श्राउड के मीन्स कवर करना, तो जिसका एंटोनिम क्या होता? अनकवर करना। नेक्स्ट है हमारा मोडिकम। तो मोडिकम तो हमें वर्ड से याद हो गया था, दैट इज़ कम, तो लिटिल बिट, जिसका हमारा सिनानिम था लिटिल बिट, थोड़ा सा। बिल्कुल सॉलिड याद रख लेना है, इसलिए मैं कम ही करवाती हूँ, ताकि 5 करें तो एक दिन में आपको ये 5 याद हो जाने चाहिए, इसलिए कम ही हम मैं वोकेबलरीज डेली बेसिस पे देने की कोशिश करती हूँ। कन्वीन का मतलब, कन्वीन कॉन्वर्जेशन, सीक्रेट कॉन्वर्जेशन याद है आपको, कन्वीन गेट टुगेदर करके मिलिट्री ने किया था। तो ये सब बस स्टोरी की तरह माइंड में एक बार बना लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कन्वीन का मतलब हमें याद हो गया, एकत्रित होना, मीटिंग करना, जैसे कि एक जगह जमा होकर गेट टुगेदर करना, तो ये कन्वीन का मतलब था। तो ये टोटल हमारे 5 वर्ड्स थे। आई होप आपको याद हो गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जल्दी डालूंगी, ठीक है? थैंक यू।